नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल नीर 143 क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो का मैं पीडीएफ पे लिंक जो होगा वो भी आपको मेरे टेलीग्राम लिंक है उस पे आप जाओगे, वहां आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो टाइम वेस्ट किए बिना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है 23 जुलाई। तो दोस्तों लाइन वाइज क्वेश्चन में बताऊंगा, इसमें टोक्यो ओलंपिक इससे कोई क्वेश्चन भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा आप पे अगर आएगा। तो दोस्तों 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो कहाँ हुआ? जापान में हुआ। 32वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ, ठीक है दोस्तों। अब इसका शुभंकर क्या था? तो दोस्तों शुभंकर मिराई तोबा था, ठीक है दोस्तों। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया, ठीक है दोस्तों। फिर इस बात का लैटिन संस्करण सीरियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर है, ठीक है दोस्तों। मुख्य विषय क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या? यूनाइटेड बाई इमोशन इसका मुख्य विषय था ओलंपिक 2020 का, ठीक है दोस्तों। फिर कुल देश कितने हैं? दोस्तों कुल देश 206 थे इसमें। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं। तो दोस्तों इसमें 33 खेल थे, 339, कितनी? 339 आपकी प्रतिस्पर्धाएं थी टोक्यो ओलंपिक 2020 में। दोस्तों एक मोस्ट पॉइंट है कि 4 नए खेल इसमें जोड़े गए थे। ये जो 2020 का ओलंपिक हुआ इसमें 4 नए खेल जोड़े गए थे, कौन कौन से? कराटे, स्केटबोर्ड, सफरिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक दो स्पोर्ट क्लाइंब सफरिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रही, कितनी रही? 48.8% महिला खिलाड़ी थी दोस्तों इस बार। फिर है टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने, क्या दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की, पहली बार 1964 में, दूसरी बार 2021 में। फिर 21 है, लारेल हार्बर न्यूजीलैंड ने भारोत्तोलन में महिलाओं 87+ क्रीड़ा वर्ग में भाग लिया, ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी, पहली ट्रांसजेंडर बनी, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है, चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता था, ठीक है दोस्तों। फिर है, मोमी जी नेसिया जापान ने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। सबसे युवा खिलाड़ी मोमी जी नेसिया है। अब इनकी उम्र कितनी है? तो दोस्तों 13 वर्ष 330 दिन, 14 वर्ष भी पूरे नहीं है इनके, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगला है, बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता, ठीक है दोस्तों। बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता। फिर है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण 2 रजत, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझ लो, 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते टोक्यो ओलंपिक में, ठीक, भारत ने, जो भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? 48वां स्थान हासिल किया। फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के बारे में जो पॉइंट्स होंगे केवल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था, 127 टोटल थे, कितने? 127 टोटल थे, 71 पुरुष एवं 56 महिलाएं थी, ठीक है दोस्तों। फिर है, 71 पुरुष हैं और 56 महिलाएं हैं। फिर
फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया, ठीक है दोस्तों। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। कौन सा क्रम था? 21वां क्रम था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह टीम के कप्तान हैं, एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया किससे संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है। फिर भारत के लिए पहला पदक रजत पदक, दोस्तों भारत के लिए पहला रजत पदक आया था वो किसने जीता था? मीराबाई चानू ने। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, भारोत्तोलन से ये संबंधित है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है, प्रणित नायक दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी है, ठीक है दोस्तों। नेत्रा कुमारन नौकायन में, नेत्रा कुमारन किससे संबंधित? नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। फिर है, अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया, वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है, दोस्तों कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है भवानी देवी किससे संबंधित है, तो तलवारबाजी में संबंधित है, ठीक है दोस्तों। भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी, ठीक है दोस्तों। फिर दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने, जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले, ठीक है दोस्तों। फिर है पवन सिंह एक्टर मत समझना दोस्तों, ये पवन सिंह एक प्लेयर है। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले, कौन से सर? ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। फिर नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर, कितना? 87.58 मीटर के थ्रो के, थ्रो मतलब भाला फेंक के गेम होता है दोस्तों, कभी कभी थ्रो फेंका क्वेश्चन में आ सकता है, या थ्रोवर या भाला फेंक, ठीक है। के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले, स्वर्ण पदक दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जीता था, केवल देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है क्वेश्चन, रवि कुमार दहिया 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस के जाउर उगेओ 57 किग्रा फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 29, भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 किग्रा वर्ग भारोत्तोलन में रजत पदक जीता, ठीक है दोस्तों। फिर है, मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 2002 किग्रा 87+115 किग्रा का भार उठाया। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की, पीवी सिंधु जो दोस्तों अपनी प्लेयर है वो चीन की बिग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता, वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पहले भारतीय सुशील कुमार थे, आपको पता होगा सुशील कुमार रेसलर थे। फिर है दोस्तों, लवलीना बोरगोहन ने महिलाओं के वेल्टरवेट 64-69 किग्रा मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, बोर गोहेन विजेंद्र सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में जर्मनी को, भारत ने क्या, भारत ने जर्मनी को 5 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। इस जीत ने ओलंपिक में क्या, ओलंपिक में हॉकी, हॉकी है दोस्तों यहाँ पे हॉकी, हॉकी पदक के लिए भारत में 41 साल का समय इंतजार समाप्त किया। यह 12वीं बार हुआ, कब हुआ? 12वीं बार हुआ जब भारतीय पुरुष
हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता 1980 में, स्वर्ण पदक जीता था 1980 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो दोस्तों ये ग्राहम रीड कोच है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बजरंग पुनिया ने, क्या बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेको को हराकर कांस्य पदक जीता है? किस कौन? बजरंग पुनिया ने। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी टीम ने, यह दोस्तों बहुत दुखद बात है भारत के लिए हुई थी, महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। महिला हॉकी टीम के कोच कौन थे? सॉर्ड मॉरिन। महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनके चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 का पदक तालिका जो भारत का चार्ट है वो किसने कितना क्या जीता है, तो दोस्तों तो देख लेते हैं, पहले पदक, फिर एथलीट, खेल संबंधित राज्य। तो स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। किसमें? भाला फेंक में। कहाँ, किस राज्य से संबंधित? हरियाणा से। फिर रजत पदक मीराबाई चानू ने। किससे संबंधित? भारोत्तोलन से। फिर कहाँ से संबंधित? मणिपुर से। फिर रजत, फिर ये रवि कुमार दहिया ने जीता। किससे? कुश्ती से संबंधित है। किस राज्य से? हरियाणा से संबंधित है। फिर कांस्य पदक लवलीन बोरगोहेन ने जीता। किसमें? मुक्केबाजी में। संबंधित राज्य असम है। ठीक है दोस्तों, फिर है कांस्य, तो दोस्तों कांस्य किसने जीता? ये पीवी सिंधु ने जीता है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। फिर ये कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। फिर है कांस्य, बजरंग पुनिया, कांस्य किसने जीता? बजरंग पुनिया ने। कुश्ती से संबंधित है बजरंग पुनिया। संबंधित राज्य हरियाणा। फिर कांस्य हॉकी टीम पुरुष और हॉकी, ये टीम हॉकी टीम पुरुषों की थी। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है स्त्रियों की तो हार गई थी, चूक गई थी फाइनल में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य को पदक मिले ओलंपिक 2020 में? तो वो दोस्तों आपका राज्य हरियाणा। तीन राज्यों के मिले, हरियाणा हरियाणा हरियाणा, आप यहीं से ही देख सकते हैं। तीन राज्य हैं जिनको भारत के, ये है जिन्होंने तीन, मतलब हरियाणा में तीन पदक गए यू कौन से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका ओलंपिक 2020 देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों इसमें रैंक, देश, स्वर्ण, रजत, कांस्य, कुल। रैंक दोस्तों देश की रैंक कितनी है, फिर स्वर्ण कितने किसको मिले, कितने रजत मिले, कितने पदक मिले और टोटल कितने मिले। तो दोस्तों रैंक वन पर रहा आपका अमेरिका, इसमें स्वर्ण 39 जीते, रजत 41, कांस्य 33, टोटल 113। फिर दो रैंक दो पर रहा चीन, और चीन देश था जो चीन है, इसने स्वर्ण 38, रजत 32, कांस्य 18 और कुल 88। ठीक है दोस्तों, फिर 3 नंबर पे आता है आपका जापान, जापान ने 27 स्वर्ण पदक जीते हैं, 14 रजत, 17 कांस्य पदक और टोटल 58 जीते हैं जापान ने। फिर ग्रेट ब्रिटेन स्वर्ण पदक 22 जीते हैं और रजत 21 जीते हैं, कांस्य पदक 22 जीते हैं और कुल 65 है। ठीक है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन ने। फिर बात आती है भारत की, किसके? भारत की। तो भारत ने दोस्तों कितने क्या जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता है, 48वीं रैंक है। ये ध्यान रखना कि भारत की, पहले भी बता चुके फिर बताया, भारत की 48वीं रैंक है। पहला और फर्स्ट जरूर याद रखना, दो क्वेश्चन, एक तो भारत की रैंकिंग और दूसरी है अमेरिका और चीन की रैंकिंग, ये जरूर याद रखना है रैंकिंग। ठीक है दोस्तों, आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। फिर भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत, 4 कांस्य पदक और कुल पदक कितने जीते? तो 7 जीते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से दोस्तों मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम लिंक है, आप वहां पे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।